एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट 7, 20 क्वेश्चंस, 10 मिनट्स, किसमें कितना है दम? तो सुबह के 9 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है आपका क्विज टेस्ट। तो जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन आंसर। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? ऑप्शन है 15, बी 16, सी 17 या फिर डी 18। टाइम शुरू हो चुका है, ओनली 15 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन, जो कि बहुत ही कम टाइम होता है अपने आप में। और आप लोग डेली टेस्ट देंगे, ठीक है? इससे आपका क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगा और याद भी होगा और रिविजन होते रहेगा। चलिए फास्ट, और बाकी आप दोनों टाइम क्लास करते रहेंगे। टाइम अप। तो एनसीसी में निदेशालय यानी डायरेक्टरेट की संख्या टोटल 17 है, यानी ऑप्शन सी वाले करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? ऑप्शन MiG-29, बी तेजस, सी राफेल या फिर डी सुखोई। टाइम शुरू हो चुका है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम जगह पूछा है 2022 में भी, और पिछले बार भी पूछा था कि भारत ने फ्रांस से कौन सा फाइटर जेट खरीदा है। चलिए जल्दी, और 5 सेकंड समय बचा है, तो फास्ट। चलिए टाइम अप। तो भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है, ऑप्शन सी वाले सही है, राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में या फिर डी मुंबई में। टाइम शुरू हो चुका है, और जो लोग भी टेस्ट देते हैं, आप लोग डेली सुबह में टेस्ट देंगे या फिर आप स्कूल कॉलेज, जिनका होता है स्कूल कॉलेज से आकर टेस्ट देंगे। प्लेलिस्ट बना दी हूँ एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट नाम से, और आप लोग पूरा टेस्ट देंगे, ठीक है? फुल टेस्ट, 20 क्वेश्चन होता है। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन डी वाले सही है। कुछ लोग दिल्ली लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे दिल्ली में इंडिया गेट है, ना कि गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है, तो डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 4, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, बी जयपुर राजस्थान में, सी हैदराबाद तेलंगाना में या फिर डी मुंबई महाराष्ट्र में। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए सभी लोग फटाफट आंसर बताइए, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए गुड जोश। और बाकी आप दोनों टाइम सुबह शाम क्लास करेंगे, सुबह में 7:30 बजे और शाम में 8 बजे। टाइम अप। तो चार मीनार ये हैदराबाद तेलंगाना में है, यानी ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है? ऑप्शन रवि शास्त्री, बी कपिल देव, सी अनिल कुंबले या फिर डी राहुल द्रविड़। टाइम शुरू हो चुका है, मैं आपको बता रहा था कि आप लोग क्लास दोनों टाइम कंटिन्यू करते रहेंगे। वैसे 3 टाइम आपका क्विज टेस्ट लेके 3 टाइम हो गया, एक तो आपका सुबह में 7:30 बजे से लाइव क्लास होती है 1 घंटे की, और शाम में 8 बजे से होती है, और सुबह में डेली 9 बजे क्विज टेस्ट, और आप लोग तेजस वेब ऐप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए टाइम अप। तो भारतीय क्रिकेट टीम के अभी प्रेजेंट में कोच है राहुल द्रविड़, जो कि नए नए बने हैं, तो ऑप्शन डी वाले सही है, राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 6, राजा जनक कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है अयोध्या के, बी मिथिला के, सी जनकपुर के या फिर डी मथुरा के। टाइम शुरू हो चुका है, राजा जनक कहाँ के राजा थे? चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ओनली 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन, गुड जोश, और 5 सेकंड है, जल्दी। चलिए टाइम अप। तो राजा जनक मिथिला के राजा थे, यानी ऑप्शन बी वाले सही है, मिथिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा सभ्यता या फिर डी महाभारत कालीन सभ्यता। टाइम शुरू हो चुका है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैक्सिमम जगह पूछता है। आपको मैं बता रहा था कि आप लोग तेजस वेबसाइट वाला जो ऐप है, जिसका मैंने वीडियो आज सुबह में अपलोड कर दिया, आप लोग देख लेंगे और डाउनलोड करेंगे, ठीक? चलिए टाइम अप। तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, यानी ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आपसे भर्ती में पूछता है, 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 को हल करें। ऑप्शन है 5 का पावर 2, बी 5 का पावर 5, सी 5 का पावर 4 या फिर डी 5 का पावर 6। टाइम शुरू हो चुका है, तो जल्दी सभी लोग बताएंगे, 5 का पावर 7 है, उसको भाग देना है 5 के पावर 3 से, क्या होगा? पावर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो कितना होगा? चलिए जल्दी, और 2 सेकंड टाइम बचा है, फास्ट। चलिए टाइम अप। तो 5 के पावर 7 को
पाँच के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 के पावर 4 आएगा, यानी ऑप्शन सी वाले सही है। ऐसे करते ना, 5 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3, तो पावर जाके बेस सेम है ना, तो पावर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 का पावर 7 माइनस 3 तो इक्वल टू 5 का पावर 4 होगा, तो सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्मी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, बी अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यूथ, सी आर्मी रेगुलर मोबिलिटी यंग, या फिर डी आर्मर्ड रेगुलर मोबिलिटी यंग। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्मी। बहुत आर्मी लवर करते हो तो याद भी तो होना चाहिए ना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है न्यू भर्ती में, तो जल्दी से बताइए। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो आर्मी का फुल फॉर्म होता है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, यानी ऑप्शन ए वाले सही है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी बछेंद्री पाल, सी श्रीमती सुचेता कृपलानी, या फिर डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। टाइम शुरू हो चुका है, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, और अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा तेजस वाला बढ़िया से, ठीक है। चलिए जल्दी, और 2 सेकंड टाइम बचा, फास्ट। चलिए टाइम अप। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, यानी ऑप्शन सी वाले सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मा को नापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए रिक्टर स्केल, बी स्केल, सी गैल्वेनोमीटर, या फिर डी थर्मामीटर। टाइम शुरू हो चुका है, मैं आपको बता रहा था कि आज सुबह में मैंने 5:30 बजे वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में, कि तेजस वेबसाइट जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ से आप पढ़ेंगे उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तेजस वेब है। चलिए टाइम अप। तो ऊष्मा यानी हीट को मेजर करने वाला यंत्र है वो थर्मामीटर होता है, यानी ऑप्शन डी वाले सही है, थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 12, यूपीएससी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, बी यूनियन प्लेस सर्विस कमीशन, सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमांडर। टाइम शुरू हो चुका है, जो आप लोग गूगल पे सर्च करते थे ना www.tejasnccademy.com, तो अब आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लोग तेजस वेबसाइट वाला ऐप डाउनलोड करेंगे वीडियो देख के, ठीक है, उसमें पूरा प्रोसेस बता दिया। चलिए टाइम अप। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑप्शन सी वाले केवल सही है, बाकी लोग गलत हो, बाकी लोग पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 13, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर डी अटल बिहारी वाजपेयी को। टाइम शुरू हो चुका है, विच पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ मिसाइल मैन। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है, और क्लास दोनों टाइम करना है, और टेस्ट फुल दीजिएगा, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन का फुल टेस्ट। चलिए टाइम अप। तो मिसाइल मैन के नाम से बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबका सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, यानी ऑप्शन ए वाले सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी शुक्र ग्रह, या फिर डी मंगल ग्रह। टाइम शुरू हो चुका है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द ब्रह्मांड। चलिए फास्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और 2 सेकंड है, ठीक है, मतलब विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, बट काफी लोग गलत भी है, तो ऑप्शन बी वाले सही है, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कारगिल अभी किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, बी लद्दाख में, सी राजस्थान में, या फिर डी अरुणाचल प्रदेश में। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, कारगिल अभी किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है। चलिए जल्दी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। चलिए टाइम अप। तो कारगिल अभी लद्दाख में, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले सही, कारगिल इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 16, शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है। ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी नोबेल पुरस्कार, या फिर डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है, शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, इजी है, शांति के समय वीरता पुरस्कार है, ध्यान देना, शांति के समय बहादुरी का पुरस्कार, काफी लोग फंसते हो। चलिए टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांति के समय
बहादुरी का पुरस्कार अशोक चक्र यानी शॉर्ट में जिसको एसी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी वाले सही है, अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 17, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। टाइम शुरू हो चुका है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, बच्चा वाला बेबी टाइप, तो सभी लोग का आंसर सही आना चाहिए इसका। और आप लोग टेस्ट देने के बाद लास्ट में कमेंट कर दिया करेंगे कि आपका कितना सही हो, 20 में 20 कौन है, विनर कौन है। चलिए टाइम अप। तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी वाले सही, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हीलियम। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है? चलिए फास्ट, और 2 सेकेंड, तो आंसर सभी का सही आना चाहिए। चलिए टाइम अप। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए वाले सही है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1971 की लड़ाई के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट, 1971 का फाइट याद है ना, जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो हमारा प्रधानमंत्री कौन था? चलिए जल्दी, और 2 सेकंड, 3 सेकंड है, फास्ट। चलिए टाइम अप। तो 1971 की लड़ाई के समय भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो ऑप्शन सी वाले सही है, इंदिरा गांधी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया यानी प्रोसेस के अंतर्गत बनाते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीडेशन के द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी ए और बी दोनों सही है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन साइंस का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा है और बहुत जगह पूछता है, और ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन। फास्ट, और 5 सेकंड समय बचा है। पौधे अपना भोजन किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? गुड जोश। चलिए टाइम हो। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो ऑप्शन बी वाले सही है। किसका कितना सही है कमेंट करें, और विनर कौन है, यानी 20 में जिनका 20 सही होगा आप लोग होंगे विनर, आप सभी को कंग्रेचुलेशन, आप लोग वैसे ही मेहनत करें। और जिनका कम सही है 20 में, जैसे 18, 15, 10, 5, आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। तेजस वेबसाइट वीडियो आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, या फिर ऐसे भी सबसे ऊपर में ही अभी होगा, तो आप लोग वाला वेब डाउनलोड कर लेंगे ऐप, और प्ले स्टोर वाला ऐप अभी 1-1.5 महीना बाद आएगा, ठीक है। तब तक आप लोग इस वेबसाइट से पढ़े। कल सेम टाइम में 9 बजे सुबह में होगा नेक्स्ट क्विज़, 9, तो आप लोग समय से टेस्ट भी देंगे, और बाकी दोनों टाइम क्लास करनी होगी, सुबह में 7:30 बजे से और शाम में 8 बजे से। और जो लोग नए होंगे आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।